नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीजे सर क्लासेस के इस ऑनलाइन चैनल में आपका फिर से स्वागत और अभिनंदन है। हम पढ़ रहे हैं एमसीक्यू, यानी आज हमारे चलेंगे प्रत्यय से संबंधित एमसीक्यू। आज हम हल करने वाले हैं। चलिए चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। चलिए, प्रश्न है आपके सामने पटवार आपके हाई कोर्ट एलडीसी 2017 में दिया गया प्रश्न है। हाई कोर्ट एलडीसी परीक्षा 23/7/17 को नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीजे सर क्लासेस के इस ऑनलाइन चैनल में आपका फिर से स्वागत और अभिनंदन है। हम पढ़ रहे हैं हिंदी और हिंदी में आज चलेगी हमारे प्रत्यय से संबंधित एमसीक्यू आज हम करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं प्रत्यय से संबंधित एमसीक्यू को। हाई कोर्ट एलडीसी 2023 में 23/7/17 में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न है आपके सामने व्यक्तिक शब्द में मूल शब्द एवं प्रत्यय है। व्यक्तिक शब्द में आपके मूल शब्द व्यक्ति और एक प्रत्यय इसमें लग रहा है। व्यक्तिक में आपके चलिए आपके व्यक्ति एक प्रत्यय लगने से ये आपकी मात्राओं में परिवर्तन हो जाता है, शब्द बनता है व्यक्तिक। शब्द बनता है आपके पास व्यक्तिक। आगे चलते हैं हम। एलडीसी हाई कोर्ट में दिया गया 2018 में ही प्रश्न है। प्रश्न है आपके सामने एक प्रत्यय से संबंधित शब्द नहीं है। एक प्रत्यय से संबंधित शब्द नहीं है। देखिए मोहक यहाँ पर नहीं है। देखते हैं इसका मूल शब्द क्या हुआ। सत्व में एक प्रत्यय लगने से शब्द बना आपके पास सात्विक और निर्मित। निर्मित में एक प्रत्यय लगने से शब्द बना आपके पास नैमित्तिक और इनमें एक प्रत्यय लगने से शब्द बना आपके पास दैनिक। चलिए देखते हैं जहां आपके यदि आ या आ की ध्वनि हो और आपके एक प्रत्यय लगा हो तो ये आपका आ में परिवर्तित हो जाएगा, ये आएगा। यहाँ आपके पास आ हो और आ का मेल इक्ते हो तो अपने वो दीर्घ रूप आ में आ जाएगा। यदि आपके पास ई हो और उसमें एक प्रत्यय लगा हो तो वे ए में परिवर्तित हो जाएगा, यानी शुरू रेखा पर दो मात्रा। यदि उम हो तो आपका एक प्रत्यय लगा हो तो ये अ में परिवर्तित हो जाएगा। उ हो या उ हो या फिर आपके ओ हो तो ये आपके अ में परिवर्तित हो जाएगा। समझ में आया। तो यहाँ पर हमारे पे सत्व का एक प्रत्यय लगा तो आ ई में प्रथम शब्द आपके प्रथम शब्द में होनी चाहिए ध्वनिया। प्रथम शब्द के प्रथम वर्ण में ये ध्वनिया होंगी आ ई उ ओ, और इस प्रत्यय लगने से आपके प्रथम शब्द की ध्वनि में ही परिवर्तित होगा। यहाँ आपने देखा मोहक मोहक आपकी एक शब्द है, आपके प्रत्यय नहीं लग रहा। आगे बात करते हैं एलडीसी 2018 में आया हुआ प्रश्न। प्रश्न है अंश शब्द में एक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा, वह आंशिक बनेगा अंशिक नहीं। मैंने आपको बताया आ, आ में एक प्रत्यय लगाने से प्रथम वर्ण की ध्वनि में आपके आ हो जाता है। प्रथम वर्ण की ध्वनि आपके आ से आ। अब ये है आ,
ये बदल जाएगी आपके आ में। ठीक है, आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाँ, आपका उत्तर दो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम, प्रश्न है आपके सामने, एलटीसी 2018 की भर्ती में दिया गया प्रश्न, एलटीसी 2018 की भर्ती में दिया गया प्रश्न है। चलिए देखते हैं क्या प्रश्न है। प्रायोगिक शब्द में प्रत्यय लगा है, प्रायोगिक में एक प्रत्यय लगा है, मूल शब्द है आपके पास प्रयोग, मूल शब्द है प्रयोग, प्रयोग में आपके एक प्रत्यय लगा है। मैंने बताया प्रथम शब्द में आपके क्या जुड़ रहा है, आ, तो ये आ किसमें परिवर्तित हो जाएगा, आ में बदल जाएगा, और एक प्रत्यय लगने से शब्द बनेगा आपके पास प्रायोगिक। उत्तर आपका एक सही होगा। आगे बात करते हैं हम, पटवार भर्ती 2011 में दिया गया प्रश्न, पटवार भर्ती 2011 में दिया गया प्रश्न है, पुराण शब्द में एक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनेगा। भाई, पुराण शब्द में एक प्रत्यय लगाने पर आपका पौराणिक बनेगा। देखिए, चीजों को गौर से ध्यान पूर्वक देखने की आवश्यकता। यहाँ शब्द प्रथम शब्द में तो आपके आपके ओ कर दिया है, हमने क्या देखा था, या फिर ओहो, तो और एक प्रत्यय लगा हो तो यह आपके आ में बदल जाएगा। ठीक है, और पूरा के पूरा पीछे शब्द जो कि त्यो है वो यूं ही लग जाएगा, एक प्रत्यय लगने से ई की मात्रा लग जाएगी। जैसे ये शब्द है आपके पास पुराण, तो इसकी मात्रा में इसमें परिवर्तन होगा, इसकी जगह कौन सी मात्रा आएगी, अ की, तो यहाँ फिर एक प्रत्यय लगा है, एक प्रत्यय लगा, तो एक प्रत्यय इसमें ही लगा, तो ई की मात्रा परिवर्तित हुई प्राणारिक। तो यहाँ ये वाला शब्द सही नहीं है, गलती से अगर ध्यान से नहीं देखा तो आप अब तो तीर लगाओगे तो वो आपका गलत होगा। यहाँ उत्तर कौन सा सही है, यह उत्तर है आपका चार सही। आगे बात करते हैं हम, हाई कोर्ट एलडीसी 2017 में दिया गया प्रश्न, इसमें एक प्रत्यय नहीं है, इसमें एक प्रत्यय नहीं है भाई, शक्ति वर्धक में एक प्रत्यय नहीं है, शक्ति वर्धक में नहीं है। विचार देखे, इसमें आपके लोक लोक में एक प्रत्यय है, तो मात्रा इसमें ओ है, ओ की मात्रा परिवर्तित होगी आपके आओ में। लौकिक प्रसंग, मूल शब्द है आपके पास प्रसंग, और प्रसंग में एक प्रत्यय लगा तो ये है आ, ये है आ, और आ परिवर्तित हुआ आपके पास आ में। ये है विचार, चार में एक प्रत्यय लगा तो ये है ई, ई बदली आपके आय में, यानी शिरोरेखा पर दो मात्रा, किसमें नहीं है, उत्तर नंबर एक यहाँ सही माना जाएगा। आगे बात करते हैं हम प्रश्न की, पटवार भर्ती 2011 की ही भर्ती में दिया गया प्रश्न है, प्रश्न है समाज शब्द में एक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनेगा। भाई, सामाजिक बनेगा, सामाजिक, ये क्या है, समाज में समाज में ये ध्वनि किसकी आ रही है, भाई ये ध्वनि आ रही है आ की, प्रथम शब्द के प्रथम वर्ण में, शब्द के प्रथम वर्ण की ध्वनि में परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है, तो यहाँ आ है तो आ किसमें बदल जाएगा, आपका आ में परिवर्तित हो जाएगा, और पीछे का शब्द ज्यों का त्यों ही रहेगा एक प्रत्यय लगने के बाद। अब ये एक प्रत्यय लगा तो ई की मात्रा गई सामाजिक पे, इस पे गई, तो सामाजिक बना। आगे बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में एक प्रत्यय से बने, इनमें से कौन सा पर्याय
पद गलत है, भाई गलत देखना है भाई पैतृक। सामाजिक गलत है यहाँ सामाजिक होगा। देखिए देखने में तो आपका वो गलत लग रहा है, वो गलत लग रहा है, लेकिन यहाँ पित्र, पित्र में आपके एक प्रत्यय लगा तो शब्द बनेगा आपके पास पैतृक। पैतृक हाँ, ये शब्द आपका सही है, एक प्रत्यय लगने से पैतृक बनेगा। सामाजिक गलत है पक्ष, चलिए आपका प्रश्न है तो निम्नलिखित में से कौन देखिए इस प्रश्न में ही मुझे थोड़ी गलती लग रही है। पैतृक, पैतृक में एक प्रत्यय लगने से कौन सा शब्द मूल शब्द है पिता, पैतृक में आपके चलिए देखते हैं आपके उत्तर होगा सामाजिक ही सही होगा। देविक, ठीक है, देवी का देविक और पक्ष, देखिए पक्ष यहाँ देवी शुद्ध शब्द है, देवी में एक प्रत्यय लगा तो देविक बना, पक्ष यहाँ पर मूल शब्द है तो पक्षिक, पाक्षिक होना चाहिए ना कि पक्षिक। तो यहाँ मुझे प्रश्न में ही निम्नलिखित पद एक प्रत्यय से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है? देखिए इस प्रश्न में ही थोड़ी सी गलती है, इस प्रश्न में आपको बोनस अंक मिलने चाहिए। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ दोनों ही शब्द सही हैं, एक तो देवी और एक और आपका पितृ धन एक, तो इन दोनों शब्द सही हैं और इन दोनों में आपके यहाँ सामाजिक होना चाहिए और यहाँ पक्षिक की जगह पाक्षिक होना चाहिए, पाक्षिक होना चाहिए पक्षिक नहीं। कि दो शब्द सही हैं इसमें और दो शब्द आपके गलत हैं। तो इस प्रश्न में कुछ प्रश्न इस प्रकार दिए गए होते हैं, वहां आपको बोनस अंक मिल जाते हैं। तो इस प्रश्न में आपको बोनस अंक मिलेंगे, कौन सा पद गलत है, यहाँ पर दो पद गलत है और दो सही हैं। एक तो आपका सामाजिक गलत है और एक आपका पक्षिक गलत है, और सही कौन से हैं, एक तो यह सही है और एक, तो इसमें आपके एक नहीं दो गलत है, तो इस वजह से इसमें बोनस अंक मिलेंगे। पक्ष में एक प्रत्यय लगने से, एक प्रत्यय लगने से पाक्षिक बनेगा पक्षिक नहीं, और समाज में एक प्रत्यय लगने से आपके सामाजिक बनेगा। ठीक है आगे बात करते हैं हम, फर्स्ट ग्रेड आपके 2022 में आया हुआ प्रश्न है। फर्स्ट ग्रेड में कौन सा शब्द एक प्रत्यय से निर्मित होते हुए अशुद्ध वर्तनी वाला है, एक प्रत्यय से बनते हुए अशुद्ध वर्तनी वाला है सामाजिक, क्या होगा? प्रथम शब्द की ध्वनि में परिवर्तन होगा, तो ये सा में क्या सी ध्वनि है आ, तो आ किसमें बदलेगा आपके, आ बदलेगा आपका आ में, तो शब्द होना चाहिए सामाजिक। सामाजिक
सामाजिक, ना कि सामाजिक, सामाजिक नहीं, सामाजिक, आ की ध्वनि आनी चाहिए, बड़े आ की। तो कौन सा शुद्ध है आपका? उत्तर नंबर दो गलत है। आगे बात करते हैं, पटवार 2011 की भर्ती में दिया गया प्रश्न है। पटवार 2011 की, आय प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है? आय प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है? लिखाई, लिखना, लिखना, लिखना क्या है आपके? क्रिया, और क्रिया में आय प्रत्यय जोड़ा तो ये गया आपके भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। लड़ना, लड़ाई, और चढ़ाई। तो नंबर तीन गलत है, चलनी, चलनी में नहीं आएगा। कौन सा शब्द? लड़ना, लड़ना, लड़ना भी आपकी क्या, इसमें आय प्रत्यय लड़ा बना आपके लड़ाई। चढ़ना, चढ़ना भी आपके पास क्रिया, और इसमें आई प्रत्यय लगा तो शब्द बनेगा आपके पास चढ़ाई। ये क्या है? सारी क्रिया शब्द है, क्रिया है ये है आपके पास क्रिया। और क्रिया से के में जब भाव आपके प्रत्यय लगता है तो उनसे बनने वाला जो शब्द होता है वो भाववाचक तद्धितान्त प्रत्यय कहलाता है, भाववाचक तद्धितान्त प्रत्यय कहलाता है। आगे बात करते हैं हम, पटवार भर्ती परीक्षा 2011 में आया हुआ प्रश्न, पटवार भर्ती 2011 में आया हुआ प्रश्न, आहट प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है? आहट प्रत्यय से रुकावट, कड़वाहट और घबराहट। रुकावट, रुकावट में आपके आवट प्रत्यय आएगा, ना कि आहट प्रत्यय, आवट प्रत्यय आएगा। आगे बात करते हैं हम, हाई कोर्ट LDC 2017 की भर्ती में दिया गया प्रश्न है आपके सामने, घबराहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? भाई आहट प्रत्यय है घबराहट में। आगे बात करते हैं हम, LDC 2018 में आया प्रश्न, कौन सा शब्द आहट प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? आहट प्रत्यय का उदाहरण नहीं है भाई, रुकावट नहीं है। अभी हमने देखा कौन सा नहीं है, रुकावट। आगे बात करते हैं हम, पटवार भर्ती परीक्षा 2011 में दिया गया प्रश्न, कुर्राहट में कौन सा प्रत्यय है? बहुत शानदार प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न, चलिए जल्दी से जवाब दीजिए, कौन सा आएगा? गुर्राहट में कौन सा प्रत्यय है? घुर्राना, घुर्राना, घुर्राना क्या है आपके पास? क्रिया है, और क्रिया से बनने वाला जो शब्द होता है वो आपका गुर्राहट में, आपके आहट प्रत्यय है तो घुर्राहट आपके भाववाचक कृत प्रत्यय होगा, भाववाचक। घुर्राना आपकी क्रिया है, और क्रिया से बनने वाले जो होगा आपके पास भाववाचक होगा कृत प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2012 में आया हुआ प्रश्न, गुर्राहट में हमारा हो गया। आगे बात करते हैं हम, आवट प्रत्यय से कौन सा शब्द बना है? आवट प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है? नहीं बना है देखना है, आवट देखना है, रुकावट, करावट और आपके सजावट। गुर्राहट में आपके आहट प्रत्यय, गुर्राहट में आपके आहट प्रत्यय है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है? किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है? PSI 2018 की भर्ती में प्रश्न दिया है, प्रश्न है आपके सामने, आवट प्रत्यय नहीं है, लिखना में है, थकना में है, रुकावट में है, और महावट, महावट में नहीं है, महावट में नहीं है। देखिए लिखना, लिखना, लिखना में आपके आवट प्रत्यय है, थकना, थकना में भी आपकी आवट प्रत्यय है, और रुकना में भी आपके आवट, इन तीनों में है, महावट में नहीं है।
है उत्तर नंबर चार दही होगा। आगे बात करते हैं हम आवर प्रत्यय के योग से बना शब्द हाईकोर्ट एलडीसी 2017 और पटवार 2011 में दिया गया प्रश्न क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। अच्छा प्रश्न, जो प्रश्न रिपीट होता है बड़ा शानदार प्रश्न होता है। चलिए देखते हैं, मिलावट, थकावट, चिकनाहट और सजावट। चिकनाहट, चिकना है आपके है आहट प्रत्यय, चिकना मूल शब्द है और आपके आहट यहाँ पर प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है, प्रत्यय नहीं है आवट, मिलावट, बनावट और महावट में। एसआई में आया हुआ प्रश्न अभी हमने देखा, वही प्रश्न आपका रिपीट हुआ है। आगे बात करते हैं, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2012 की भर्ती में प्रश्न आया है। प्रश्न है आपके सामने, किस क्रमांक में विशेषण से प्रत्यय नहीं है, पठनीय, पढ़नीय, पढ़ना, पठनीय, चिंता, विशेषज्ञ और समझौता। भाई आपके पठनीय में नहीं है, पढ़ना आपके क्या है क्रिया है, पढ़ना आपके क्रिया है, तो यहाँ पठनीय समझ, समझ आपके होता, पढ़ना क्रिया तो नहीं है पूछा है यहाँ पर। समझौता, समझ, समझौता में नहीं है, समझौता में आपके भाववाचक आपके क्रिया है समझौता। चलिए नंबर चार सही होगा। आगे बात करते हैं, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2012 की भर्ती में किया गया प्रश्न, प्रश्न है आपके सामने, क्रमांक में भाववाचक तदित प्रत्यय है, भूलना क्रिया है, भाववाचक तदित। देखिए एक होता है आपके पास कृत प्रत्यय, तो हमारे प्रत्यय होते हैं उनको दो भागों में विभाजित किया जाता है, को दो भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर एक आता है आपके पास कृत प्रत्यय और नंबर दूसरा होता है आपके पास तदित। ये आपके क्रिया से बनने वाले जो शब्द होते हैं, क्रिया से बनने वाले शब्द इसमें आएंगे और इनसे बनने वाले, क्रिया से बनने वाले शब्दों को हम कृदंत प्रत्यय कहते हैं, और तदिदांत में आपके संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनने वाले जो शब्द होते हैं वो आपके तदिदांत कहलाते हैं, तदिदांत प्रत्यय कहलाते हैं। तो यहाँ पर भाववाचक तदिदांत पूछा है, तो ये कृदंत से बनने वाले शब्द भी आपके पांच होते हैं, कितने होते हैं पांच होते हैं, और इससे बनने वाले जो होंगे वो आपके छह होंगे, क्या होंगे छह ना। तो यहाँ पर भाववाचक तदिदांत पूछा है, संज्ञा से बनना बनना चाहिए, संज्ञा से मामा का ममेरा ये संबंध वाचक है, गुणवान भाववाचक भूलना क्रिया है, भूलना क्या है क्रिया, तो भाववाचक नहीं होगा ये, मामा का संबंधवाचक है ये। लखेरा, डाक का काम करने वाला लखेरा होता है, कर्तृवाचक बना ये। उत्तर वाचक क्या आपके पास गुणवान, तो यहाँ आपके उत्तर नंबर तीन सही होगा, गुणवान भाववाचक होगा। आगे देखते हैं हम, ये लखेरा और संबंधवाचक है ये आपका,
लखेरा भी आपके संबंध वाचक है, लाख का काम करने वाला लखेरा, लाख का काम करने वाला संबंध वाचक हुआ, ये भी आपका मामा का संबंध वाचक हुआ, गुणवान, गुणवान यानी कर्तृवाचक, आपका कर्तृवाचक हुआ ये, भुलावा, भूलना क्रिया है और भुलावा आपका दावा, यहाँ आपका उत्तर नंबर एक सही माना जाएगा, उत्तर नंबर एक सही होगा। बाकी आपके क्या है, संबंधवाचक है, अखेरा भी संबंधवाचक हो गया, आपका गुणवान यानी कृतवाचक है, क्या है, कर्ता की बात हो रहा है, गुणवान ये कर्ता प्रधान है, कर्ता प्रधान है, यहाँ पर आपके कर्तवाचक होगा। उत्तर नंबर आपके भाववाचक तद्धित प्रत्यय पूछा, उत्तर नंबर एक सही माना जाएगा। आगे बात करते हैं पटवार भर्ती 2011 की, किस क्रमांक में आव प्रत्यय नहीं है, आव प्रत्यय नहीं है, बचाव, तनाव, लिखाव, रखाव, बचाव, तनाव और लिखाव, लिखाव में नहीं है, उत्तर नंबर तीन यहाँ सही माना जाएगा, उत्तर नंबर तीन सही माना जाएगा। आगे बात करते हैं पटवार भर्ती 2011 में आया प्रश्न, किस क्रम में क्रमवाचक प्रत्यय नहीं है, कर्मवाचक, कर्म में आपका आपका आपके कर्म होना चाहिए, कर्म प्रधान, खिलौना, खेलना, खिलौना, ओढ़ना, चलनी और खुरचन, भाई उत्तर नंबर यहाँ पर आपका एक, उत्तर नंबर आपका चार सही होगा, खुरचन, खुरचन नहीं है पूछा है, खिलौना, ओढ़ना और चलनी, ये आपके तीनों ही कर्म है। आगे पटवार भर्ती 2011 और आपके थर्ड ग्रेड 12 की भर्ती में दिया गया प्रश्न है आपके सामने, शब्द में तद्धित प्रत्यय है, कुवचवान, धरती, पछतावा और घूमना, पछतावा, घूमना, धरती, आपके उत्तर नंबर चार सही होना चाहिए, कुवचवान, उत्तर नंबर आपके उत्तर नंबर एक सही होगा, कुछ पान, ये क्या है, कोच क्या है, संज्ञा शब्द है, कुछ संज्ञा है, और संज्ञा से बनने वाले शब्द आपके क्या कहलाते हैं, आपके तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं, तो उत्तर एक। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन है आपके पास 2011 में आया हुआ, किस क्रमांक में एरा प्रत्यय, कटेरा, ममेरा, पेरा और एरा प्रत्यय नहीं है, कटेरा में नहीं, चाटना क्रिया है, चाटना क्या है आपके पास, क्या है, और एरा प्रत्यय हमेशा संबंधवाचक में लगता है, कि आपका एरा प्रत्यय नहीं है, इल प्रत्यय नहीं है, PSI 2018 में आया हुआ प्रत्यय, इल प्रत्यय जटिल, शामिल, शिथिल और फैनिल, जटिल में नहीं है, तो नंबर एक सही होगा यहाँ पर, शामिल, जटिल, चलिए जटिल, शामिल, शिथिल और फैनिल, शामिल में नहीं है, बाकी तीन में आपके है। आगे बात करते हैं अन्य प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, फर्स्ट ग्रेड जी 2022 में आया हुआ प्रश्न, यानी अभी हाल ही एग्जाम में आया है, स्थानीय, अन्य का, दर्शनीय, दर्शन, माननीय और रमणीय, रमणीय, स्थानीय,
इसमें नहीं है स्थान, धन स्थान धन लगा है तो स्थानीय बना है, इसमें नहीं हुआ है, बाकी तीन में हुआ है दर्शन माननीय और रमणीय। तृतीय श्रेणी 2023 में आया प्रश्न है, तृतीय श्रेणी 2013 में आया प्रश्न, प्रश्न है लचकीला में प्रत्यय है, लचकीला में है आपके पास ईला प्रत्यय, ईला प्रत्यय है लचक, लचक मूल शब्द है और इसमें ईला प्रत्यय आपके का है, शब्द बना आपके पास लचक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पटवार भर्ती 2011 में दिया गया प्रश्न, किस क्रम में प्रत्यय का सही प्रयोग हुआ है, किस क्रम में प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है। चलिए, प्रभा विष्णु पथरीला तपस्वी और शीघ्रतम, प्रभु विष्णु, प्रभा विष्णु में आपके नहीं हुआ है, किस क्रम में आपके पथरीला, पथरीला पथरीला होना चाहिए, प्रभा विष्णु नहीं, पथरीला नहीं, पथरीला पत्थर, पत्थर में आपके ईला प्रत्यय का तो शब्द बनेगा आपके पास पथरीला, पथरीला शब्द होता है, पर दो यहाँ पर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, तृतीय श्रेणी आपके 2000, तृतीय श्रेणी 2010 में आया हुआ प्रश्न है, प्रश्न है वनेला शब्द में प्रत्यय है, वनेला शब्द में आपके केला प्रत्यय है, वनेला शब्द में आपके पास एला प्रत्यय है, वन मूल शब्द है आपके पास वन, वन में जुड़ा है आपके पास एला प्रत्यय, शब्द बनेगा आपके पास वनेला। चलिए, ये प्रत्यय से संबंधित हमारी प्रश्नों की श्रृंखला थी वो आज यहाँ पर समाप्त हो चुकी है, आज हमने प्रत्यय से संबंधित एमसीक्यू को हल करा है, आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी, आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और पढ़ने से ही आपके परीक्षाएं हल होंगी, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।